दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ मटर मशरूम रेसिपी। और ये जो रेसिपी है दोस्तों, मैंने बहुत ही आसान तरीके से कढ़ाई में बनाया है। और ये जो रेसिपी है दोस्तों, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं तो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। और क्योंकि दोस्तों अभी मौसम जो है ठंडे का, दिसंबर सीजन चल रहा है, तो इस मौसम में हमें मशरूम और मटर दोनों इजीली मिल जाते हैं और वो भी फ्रेश। तो आज हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। बहुत ही न्यू तरीके से मैंने इस रेसिपी को बनाया है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 प्याज, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च और कुछ फ्रेश धनिया के पत्ते। इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में, तो आप भी इस तरह से चॉप कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है मशरूम को, और इस तरह से मीडियम साइज में मैंने काट लिया है। और फिर इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच मक्खन, इसकी जगह पर आप दही भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च, और फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पाउडर, फिर इसके बाद जीरा पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और 1 चम्मच पूरा भर कर यहाँ पर मीट मसाला ऐड करना है आपको। और फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर नमक, और फिर इसके बाद इसे आपस में मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और इसे इस तरह से आप भी मिला लीजिएगा बढ़िया से। जब ये मिल जाए तब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और इसे मिलाकर हम लोग कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे ढककर। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल। और यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखिएगा। जब ऑयल से अच्छे से धुआं निकलने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े गरम मसाले कुछ, और 1 तेज़पत्ता। तो चलिए मैं इसे ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। और इसे ऐड कर कर कम से कम इसे 10 सेकेंड अच्छे से इस तरह से चला लीजिएगा, ताकि जो हमारे खड़े गरम मसाले हैं वो जल ना पाएँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर मैंने जो बारीक प्याज इस तरह से कट कर लिया था, तो आप भी इसे इस तरह से कट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और इसे यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखिएगा। और प्याज को इस तरह से बीच बीच में चलाकर अच्छे से भूनेंगे, ताकि प्याज जो है थोड़ा जल्दी गले। और याद रखिएगा कि इसे जलने नहीं देना है, तो बीच बीच में आप भी चलाते रहिए। तो चलिए मैं इस तरह से चलाकर इसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देता हूँ, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5 मिनट बाद हमारे जो प्याज हैं अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा नरम हो गया है। और इसी तरीके से आप भी इस तरह से चला चला कर आप भी इसे कुक कीजिएगा, ताकि ये जले ना। तो इसे कुछ देर और छोड़ देते हैं हम पकने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज है अच्छे तरीके से कुक हो गया है, और इसमें कलर भी आ गया है गोल्डन ब्राउन कलर। तो हमें लगभग इस तरह से इसे इस तरह से चला चला कर बीच बीच में कुक कर लेना है। और प्याज याद रखिएगा दोस्तों कि जलना नहीं चाहिए, ये तो हमारी सब्जी ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान से इसे कुक करेंगे इस तरह से चला चला कर। तो इसे मैं थोड़ा सा देर और इसे भून कर और इसमें ऐड करूँगा अब यहाँ पर टमाटर, जो कि हमने इसे 3 टमाटर चॉप करके रखा था। तो अभी इस तरह से पतला इसे स्लाइस में काट लीजिएगा, और इसे भी हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट कम से कम अच्छे तरीके से इस तरह से भूनेंगे चलाकर। और फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ स्वाद अनुसार अपना नमक, आप भी अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर नमक, ताकि हमारे जो टमाटर है और प्याज दोनों अच्छे तरीके से गले इसमें। और ये जो जो मैंने टमाटर ऐड किया है दोस्तों, यहाँ पर जो प्याज है वहाँ पर उसका जो एक्स्ट्रा कुकिंग हुआ उसे ये रोक देता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे प्याज जो है वो जलेगा भी नहीं, और टमाटर और प्याज दोनों अच्छे तरीके से यहाँ पर कुक होंगे। तो लगभग यहाँ पर मैंने टमाटर को 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और बीच बीच में आप भी इस तरह से चलाकर कुक कीजिएगा, जलने नहीं देना है। तो टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हमने दोनों इसमें ऐड किया था मशरूम के साथ। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप ऐड भी कर सकते हैं नहीं भी। इसका ऐड करने का पर्पस इतना रहता है दोस्तों कि इससे हमारी जो सब्जी का रंग रहता है वो काफ़ी अच्छे दिखने में लगता है, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और आपका मन होगा तो, और आप नहीं चाहते ऐड करना तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से चला कर इसे भून लेंगे बीच बीच में इसे, ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 मिनट इसे भून लिया है। और फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ फ्रेश हरा मटर,
आप भी याद रखिएगा, बाजार से आप भी फ्रेश हरा मटर लाइएगा, क्योंकि दोस्तों जो फ्रेश हरा मटर रहता है उसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंस रहता है, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मटर को ऐड कर लिया है और यहीं पर ऐड करना है आपको, और इसे लगभग 10 से 12 मिनट कुक कर लेना है। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो मशरूम हमने मसालों के साथ ऐड कर कर रखा था। तो चलिए मैं इसे ऐड कर देता हूँ और फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे मटर और मशरूम को मसालों के साथ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मशरूम हमारे टूटने नहीं चाहिए, तो आराम आराम से इस तरह से चलाकर कम से कम 2 से 3 मिनट कुक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ 2 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट कुक हो गया है मटर और मशरूम। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, जो मसाले हमारे बच गए थे, तो आप उस मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड कर इस तरह से इसमें मटर और मशरूम में ऐड कर लीजिएगा। ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करना है दोस्तों, क्योंकि मशरूम जो है वो खुद पानी रिलीज करता है काफ़ी ज़्यादा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे और फिर से अच्छे से इसे मिलाकर कम से कम इसे 10 मिनट के लिए इस तरह से ढक कर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और 10 मिनट बाद हम इसे ढक्कन को हटाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कमाल की इसमें टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है और बिल्कुल सभी ऑयल ऊपर आ गया है। और चलिए इसे मैं थोड़ा अच्छे से इस तरह से मिला लेता हूँ। हम इसे कम से कम अभी और 10 मिनट इसे कुक करेंगे ताकि हमारी जो मटर है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल नरम हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए और मशरूम भी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस तरह से चला चला कर बीच बीच में इसे 5 मिनट और कुक कर लिया है। और फिर इसके बाद इसे थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करेंगे हम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी और ऐड कर रहा हूँ। और थोड़ा सा देर के लिए इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर फिर मैं ढक्कन हटा रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसे ढककर कुक किया है। और यहाँ पर अब बिल्कुल यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है बिल्कुल पक कर रेडी हो गई है। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो मटर है बिल्कुल नरम हो गए हैं दोस्तों, और बाकी जितने मसाले प्याज सभी चीज़ अच्छे से गल गए हैं और हमारी मशरूम भी अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। तो अब इसमें बारी है कुछ चीज़ ऊपर से ऐड करने के लिए, तो चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, जो कि मैंने तवा पर इस तरह से भून लिया था, और इसे अच्छे से इस तरह से चलाकर मिला लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद है दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा पानी इसमें आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने अनुसार ग्रेवी कितना पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं पानी। तो चलिए इतना ग्रेवी सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी ऐड कर इसे थोड़ा सा अच्छे से इस तरह से चलाकर मिला लिया है। और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे 2 फ्रेश हरी मिर्च और फिर इसके बाद फ्रेश धनिया के पत्ते। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना राय जरूर दीजिएगा। और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और हमारी जितनी भी रेसिपी आपको पसंद आती होगी तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, तो चलिए थोड़ा सा इसे भी चलाकर हम मिला लेते हैं। अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, यहाँ पर मैं अच्छे से मिलाकर इसे ढक देता हूँ। तो चलिए मैं इसे ढक कर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गया दोस्तों और यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है बनकर रेडी हो गई है। तो है ना दोस्तों काफ़ी कमाल की दोस्तों रेसिपी, कढ़ाई मटर मशरूम रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप इसे जितने भी दोस्त होंगे जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।